तो जन्माष्टमी के दिन आप देखते हैं चंद्रमा जो है वो आधा होता है, और राधाष्टमी के दिन जो चंद्रमा होता है वो भी आधा होता है। आधा और आधा क्या होता है? पूरा होता है, और वो है गौरंग महाप्रभु, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है। फुल या गदाधर पंडित का आविर्भाव होता है तो नो मून, यानी कि न्यू मून, यानी कि अमावस्या। That means feeling separation from Chaitanya Mahaprabhu, intense separation. तो इस तरह से समझना है इसको, गौर पूर्णिमा का दिन क्या है? It's a full moon. राधाष्टमी के दिन राधानी कृपा मिल रही है, लेकिन फुल मोन फुल कृपा चैतन्य महाप्रभु की। श्रीमती राधारानी जब उस करुणा का वितरण करती हैं तो वो है चैतन्य महाप्रभु। जय हो। तो चैतन्य महाप्रभु का आज आविर्भाव दिवस मना रहे हम लोग, और आज के श्लोक में श्रीमद् भागवत में यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम चैतन्य महाप्रभु जो बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका बार बार उच्चारण करते हैं। तो कृष्ण वर्ण आप भी हो सकते हैं, आप भी कृष्ण वर्ण है अगर आप नरेंद्र कृष्ण का नाम लेंगे तो। श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण वर्णम थे, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, तुषा अकृष्णम, तुष मतलब कांति, अकृष्णम यानी कि कृष्ण यानी कि श्याम वर्ण के नहीं है, अकृष्ण मतलब गौर कांति के हैं। सांगो उपांगास्त्र पार्षद, संग में कौन है? नित्यानंद प्रभु है। संग उपांग, उपांग कौन है? उनके अद्वैत आचार्य हैं। सांगोपांगास्त्र पार्षद, अस्त्र कौन है? उनके हरिनाम अस्त्र है, श्रीमद भागवत अस्त्र है, ये दो अस्त्र है, और उनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र है, क्या जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु की अपनी सुंदरता, वो बहुत बड़ी अस्त्र है, अपनी सुंदरता से प्रभावित करते थे सबको। तो सौंदर्य उनका और हरिनाम और श्रीमद् भागवत, ये सब अस्त्र है। और पार्षदों में कौन है? श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, गदाधर पंडित, ये सब पार्षद हैं। तो ये सब, तो इस तरह से सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राये यजन्ति ही स्वमेव दशा। तो बुद्धिमान लोग जो है, बुद्धिमान नहीं, बहुत जो बुद्धिमान है, मेधसा नहीं है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बेवकूफ लोग संकीर्तन में नहीं आ सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि जो बेवकूफ है वो संकीर्तन करते हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? शास्त्रों के आधार पर जो बेवकूफ है वो संकीर्तन में भाग नहीं लेते हैं। तो संकीर्तन करने वाले क्या है? अत्यंत बुद्धिमान है, क्योंकि शास्त्रों का निष्कर्ष वो जान चुके हैं। तो कृष्ण तो इस तरह से यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधशः, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो महाप्रभु की पूजा कैसे की जाती है कलयुग में? संकीर्तन के द्वारा। गौर नेताय की सेवा बहुत सरल है, अपराध क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर अपराध करते भी हैं तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा करना इतना आसान क्यों है? गौर ताय के बिगड़े की सेवा करना आसान क्यों है? केवल उनके सामने बैठकर महामंत्र का कीर्तन करिए, गौर ताय उसी में संतुष्ट हो जाए। अफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि भोग नहीं लगाना, अभिषेक नहीं करना, आरती नहीं करनी, वो सब नहीं करना, लेकिन उनको प्रसन्न अगर करना है, अगर ये सब किया आपने, अभिषेक किया आपने और उसके बाद श्रृंगार किया, भोग लगाया, आरती की, अगर हरिनाम लिया, संकीर्तन नहीं किया, तो गौर ताय दुखी ही रहेंगे हमसे। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है, अभिषेक की सामग्री नहीं है और ठीक वस्त्र भी नहीं बना पाए, कई दिनों से वस्त्र धोया नहीं है आलस के कारण, लेकिन अगर संकीर्तन कर लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर में, तो गौर ताय आपसे प्रसन्न हो जाए। गौर ताय इतना